हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज जो कंटिन्यू हुआ अपना जो गिरावट, जो मंडे जो मार्केट लुटका था, उसका अभी नेक्स्ट पार्ट है। अभी तो अभी देखिए आज भी अराउंड 150 अंक नीचे, 160 अंक नीचे अपना निफ्टी कामकाज कर रहा है। उसका मेजर जो सपोर्ट था 19,200 का जो लेवल है, वो तो ब्रेक किया ही है। अभी पता नहीं, अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट लग रहा है माइनर सा सपोर्ट है, 19,050 का जो सपोर्ट है। अभी देखने वाली बात है कब तक ये गिरावट रहेगा करके। तो अभी जो क्लियर संकेत है ग्लोबल, ठीक है, कल थोड़ा बहुत अभी नहीं लोग अपना US मार्केट संभाल लिया, तो फिर भी अपना जो बॉन्ड यील्ड का जो ये अपना न्यूज़ है उसके चलते मार्केट काफ़ी ये नेगेटिव है। इवन अपना जो बैंक निफ्टी देख लीजिए तो 200 मूविंग एवरेज वो ब्रेक किया, तो अभी इसमें और गिरावट हो सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो इवन बैंक निफ्टी में देख लीजिए, सारा बैंक एक्सेप्ट आज SBI बैंक, बाकी सारा बैंक लाल निशान में कामकाज कर रहा है। तो टॉप गेनर्स देखे तो टॉप गेनर्स ज़्यादा कुछ खास नहीं है। गेनर्स देखे तो आप हिंडल को देख लीजिए, टाटा स्टील में 1% का बढ़ोतरी, बाकी सब वैसे ही है। और जो लूजर्स, काफ़ी सारा लूजर्स है। पावर सेक्टर आज एकदम बेरिश है, पावर सेक्टर में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला, जैसे कि NTPC हो गया, टाटा पावर हो गया, इवन सारा पावर सेक्टर आज लुटक गया। तो अपोलो हॉस्पिटल में 2-2.5% का एक उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। HDFC लाइफ, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज के उसका मेजर जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके नीचे आया और उसमें गिरावट पॉसिबल है। इन्फोसिस में भी एक सपोर्ट ब्रेक किया, इवन काफ़ी आज नेगेटिव है। तो इसके चलते हम लोग मार्केट तो नेगेटिव है, हम लोग क्या काम करना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो ट्रेड जो अपना ट्रेंड के साथ हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो कायम रहेगा। जो बैंक निफ्टी का जो हमारा ट्रेड है, तो जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो हमारा सेटअप है, ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो ज़रूर देख लीजिए उसका। जो आज भी ज़बरदस्त एक ये मिला है, उसमें ट्रेड मिला है। जो जैसे जैसे जो ट्रेंड रहता है उसके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। एक पुट साइड में एक जैसे ये सेल ऑन राइज मार्केट था, आज अराउंड 20 EMA के पास आया जो मार्केट, उधर से एक अगेन सेल ऑफ देखने को मिला है। तो एक अच्छा ट्रेड था, अराउंड 300 पॉइंट 1 वे में देखने को मिला है। तो एक ज़बरदस्त ट्रेड है दोस्तों, इसको उस स्ट्रेटेजी को ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेजर डेवलपमेंट है, जो AS इन्वेस्टर है, जो मिस्टर पोरिंजो वेलियतू, एक माइक्रो कैप कंपनी में फ्रेश एंट्री किया। माइक्रो कैप कंपनी का नाम है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, जो हमारा जो लास्ट मंथ में सितंबर 16 तारीख का चार्ट ऑफ द वीक का जो वीडियो में तो हम लोग शेयर किए थे, वे अपना एरो ग्रीन टेक लिमिटेड एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इन्होंने 1% स्टेक बाई किया कंपनी का। तो एक 580 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है, अपना माइक्रो कैप कंपनी है, और जो डेट फ्री कंपनी और कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और आप देख सकते हो तो दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट में वो एक प्लांट भी डाल दिया, अभी जो विदिन 18 मंथ्स वो प्लांट अभी इसमें होगा, अभी कंप्लीट होगा वो उसका दूसरा प्लांट तो दहेज में जो है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है और एक्सपेंड भी कर रहा है कंपनी। और जिसको माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा कहने पर लास्ट मंथ में इन्वेस्ट किया बने रही है, क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड काफ़ी मतलब थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर आता है तो 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनका टाइम पीरियड थोड़ा होराइजन लंबा रहता है। तो यही एक डेवलपमेंट है दोस्तों। और फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीक का जो ये था अपना शॉर्ट ट्रेड था, ये जो फ्यूचर में हम लोग ट्रेड किए थे SRF लिमिटेड काफ़ी अच्छा हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है। तो अराउंड 1 लॉट में 35,000 का एक अभी तक प्रॉफिट दिया है उसने। तो जिसके पास मल्टीपल अपना ये लॉट है अभी आप बुक कर सकते हो अपना 50%। तो अभी भी नेगेटिविटी है, तो मार्केट टोटली नेगेटिव है, सो इसके चलते आप प्रॉफिट ट्रेल कीजिएगा SRF लिमिटेड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे होगा भारतीय एयरटेल में हम लोग शॉर्ट करेंगे, भारतीय एयरटेल फ्यूचर हम लोग शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट नवंबर सीरीज़ को। तो कैपिटल लगेगा 1,60,000 का कैपिटल लगेगा। तो अभी जो मार्केट के साथ तो ट्रेंड के साथ हम लोग काम करेंगे, इसका डेली अपना भारतीय एयरटेल का आप देख सकते हो हावरली चार्ट देख लीजिए। हावरली चार्ट में आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बाकी हम लोग अभी 1-2 दिन में आ सकता है ये टारगेट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा 905 का टारगेट है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 926 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग फ्यूचर शॉर्ट करेंगे भारतीय एयरटेल में, जो हम लोग सो ट्रेंड के साथ करेंगे, क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव है, थोड़ा उसको बहुत अपने बेनिफिट भी मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसके चलते हम लोग शॉर्ट करेंगे भारतीय एयरटेल। फ्रेंड्स, आज का जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग जो एक माइक्रो कैप कंपनी सेलेक्ट किया है, साधना नाइट्रोकेमिकल,
एक केमिकल सेक्टर का माइक्रो कैप कंपनी है, तो अभी एक बेरिश मार्केट में भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लगातार बाइंग हो रही है। लास्ट वीक में भी एक अच्छा एक वॉल्यूम के साथ एक बड़ा लोग एंट्री किया लगता है, तो आज भी एक 10% ऊपर काम काज किया है। तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसमें एक इनिशिएट करेंगे। ये एक 95 अपना 86 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे, जिससे कि हमारा फेवर में जाता है ये ट्रेड। उसके बाद हम लोग उसके बारे में और रिव्यू करेंगे। स्टॉप लॉस लगेगा तो ठीक है, उसमें हम लोग एग्जिट करेंगे क्लियरली, उसमें कोई रुकने की बात नहीं है। तो नया नया ट्रेड हम लोग ढूंढते रहेंगे। तो बाकी सादा नाइट्रो केमिकल होगा आज का स्टॉक ऑफ द डे, तो एक अच्छा एक टारगेट मिल सकता है अपने को, जो केमिकल सेक्टर का एक माइक्रो कैप कंपनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।